सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये है अपना डे टू गोवा में और आज अपन जाने वाले हैं अरंबोल स्वीट वाटर लेक। तो ये यहाँ से है लगभग अपना 24 किलोमीटर है यहाँ से और अपने को लगभग एक घंटा लग जाएगा जाने में और पलियम में है। तो लेट्स सी कैसा क्या रहता है व्यू। तो मैंने व्यू वैसे नेट में देखा हुआ है, मैं भी आपको दिखाता हूँ। तो ऐसा कुछ व्यू मिलेगा अपने को। तो जितना इसमें शांति दिख रही है, मुझे नहीं लगता वहाँ होगी क्योंकि भीड़ का समय है और अपन बीच का भी ऐसा ही सोचा था अपन ने कि भीड़ कम होगी, बट ऐसा नहीं है, भीड़ वहाँ भी थी। तो अब अपन वहाँ जाएंगे और शायद तक भीड़ अपने को मिलेगी ही मिलेगी और फिर वहाँ जाके दिखाते हैं और रास्ते में दिखाते हैं कि व्यू कैसा है, क्योंकि 24 किलोमीटर दूर है तो बीच में बहुत सारी अच्छी अच्छी जगहें भी पड़ेंगी, तो वो भी अब मैं आपको दिखाऊंगा और पूरा वीडियो देखना, मज़ा आएगा। और अपन ने कपड़े वही पहने हैं जो अपन ने कल पहने थे, क्योंकि वहाँ जाके अपन थोड़ा सा नहाएंगे और मस्ती मजाक करेंगे, तो उसके लिए अपन ने जो नए कपड़े हैं वो रख लिए हैं और अपन चलते हैं। 25 किलोमीटर दूर है तो थोड़ा सा टाइम भी लगेगा और अभी जो समय है वो लगभग 8:30 बज गए हैं, तो वहाँ पहुँचते पहुँचते अपने को लगभग 10 तो बज जाएंगे, क्योंकि अभी अपन यहाँ से निकले नहीं हैं और थोड़ा सा रेडी होंगे फिर निकलेंगे। तो चलिए अब चलते हैं वहाँ और फिर मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। चलो भैया, तैयार है हमने और जाना तो चप्पल से जाना, चप्पल पहन के जाना, मतलब जूते पहन के मत चले आना कि तुम बूट्स वगैरह पहन के चले जाओ कि फ़ोटो अच्छी आएगी बूट बीच में, तो इसीलिए चप्पल में जाना तो आसान रहेगा, बालू भरे ना जिससे जूते में। तो चलो अपन यहाँ से निकलते हैं। अब जलाओ जल्दी से पेट्रोल। चलो तो अपना स्टॉप आया है, पेट्रोल डलाते हैं अपन। और अभी क्या हुआ कि मैंने एक ब्लैक कलर की एंडेवर देखी और उसमें फुल अश्विन सिंह टक यार जैसे एक बंदा दिखा मेरे को लगा भैया गोवा तो भी आए थे भैया, बट वो है नहीं। मैं दिखाता हूँ अपन, आप भी देखना एक बार। ऐसा ही लगा ना, मुझे भी डाउट हो गया कि अश्विन सिंह टक यार है क्या यार। तो चलो अब पेट्रोल डलवा लेते हैं फिर अपन चलते हैं अपने स्टॉप की तरफ। छोड़ना जरा थोड़ा भाई, 40 से ज़्यादा जाने में तो पूरी हिल जाती भाई। अभी अपन ने आधा रास्ता, मतलब आधे से ज़्यादा रास्ता कवर कर लिया है, लगभग 7.7 किलोमीटर अभी बचा है और लगभग अपन को इसी स्पीड पे चलेंगे अपन 40-50, क्योंकि उससे ज़्यादा अपन जा भी नहीं सकते, तो लगभग 18 मिनट में अपन पहुंच जाएंगे। इधर से अपने को भाई अंदर अंदर चलना पड़ेगा, अभी तो अपन बीच पहुँचे हैं, बीच में आए हैं, अब उधर से अपन को उधर साइड लेना पड़ेगा तब जाएंगे उधर जो लेक है। बीच देखो अब,
हाँ और कुत्ते के साथ फोटो खिंचाएंगे एक प्यारी सी, अगर काटे ना वो तो। पहले यहाँ बैठते थोड़ा देर भाई, फिर अपन चलते हैं उधर। अभी वो जाना पड़ेगा भाई, मैंने देखा वो पैदल ही जाना पड़ेगा, और मेरे हिसाब से जो जा रहे हैं सब उधर ही साइड ही जाएंगे। इधर उधर साइड जाना है अपने को। अरे वो तो फिर वो सब जा रहे हैं, किसी से पूछते ना भैया, तो पूछ भैया स्वीट वाटर लेक साइड किधर साइड जाएंगे? इधर साइड है ना, बोला था ना इधर साइड जाना पड़ेगा अभी अपन। हाँ अभी कौन सा बीच है भाई ये देख तो भाई। ये अच्छा भाई, बीच का मजा ये है कि मतलब शांति रहे। आरंबोल बीच है, ये आरंबोल बीच है पूरा देखो, लेकिन फिर भी इसमें भीड़ कम है यार। यहाँ वो क्या तो फेमस बीच है भाई, वहाँ कलंगूट बागा और पता और कौन सा बीच फेमस है भाई? तीन हो गए, तीन ना मोरजिम, अपन जो वहाँ से आए थे वो मैंड्रम था, मैंड्रम बीच भी है। हाँ चलो सबसे आखिरी है ये मोरजिम सबसे, लेकिन यहाँ पे बोट वगैरह कम है। यहाँ पे अभी तक तीन बोट दिखी, तीन है बोट है ना। अगर तू बता समुद्र का पानी मीठा होगा कि नमकीन होगा ही, सॉल्टी नहीं होता है तो फिर तू बोल रहा है कि तू दूर चल में आ रही है उतर गई चप्पल। तूने ही तो बोला कि भाई ये नमकीन होगा, समुद्र का पानी मीठा थोड़ी होता, मैंने ऐसा बोला भाई। ये बीच अच्छा लगा भाई, कलंगूट से ज्यादा अच्छा लगा भाई मेरे को ये बीच, मजा है भाई यहाँ है भाई। वो एक इतना आखिरी में देखने आ रहा है भाई, नहा क्या रहा है मतलब मजे ले रहा है ये। आया 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 आया, चप्पल फिर से गई भाई मेरी नहीं गई अभी भाई। देख वो आखिरी में नहा रहा है भाई। भाई सच में दर्द है क्या? थोड़ा सा होगा मतलब जानवर। चल तू अपन इधर भाई, वो जगह अच्छी लगी भाई, देख वहाँ पे अच्छी है जगह। मुश्किल है मैं चश्मा लगाऊं पहले। छोटे आ रहे हैं, इनको पकड़ के ले चलेगा रीवा, क्या करेगा फिर उनको? खा लेंगे, खाना खिलाएंगे फिर वो खा लेंगे। रे देख चश्मा कहाँ गया यार, मैंने कहाँ रख दिया? सबके सपने यहीं पूरे हो जाते भाई। चलो अब चलते हैं अपन स्वीट वाटर लेक। यहाँ पे ज़्यादा कुछ खास है नहीं, मतलब शांति है ये अच्छा है, और अगर किसी को घूमना वगैरह हो या फिर मज़ा लेना हो तो असली मज़ा यही है। तो ले चले क्या स्कूटी पर? वो उधर से जाने को मिलेगा। चलो अगर स्वीट वाटर लेक चलते हैं भाई। वो देख वो अच्छा भाई पहाड़ जो वहाँ पे, वो देख रहा है वो। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि जिसके लिए आपने ये वीडियो क्लिक किया है, मतलब जो न्यूड बीच है वो किस एरिया में है। तो जहाँ पे अपन अभी पहले गए थे तो वो था आरंबोल बीच, और जहाँ पे अभी अपन जा रहे हैं उसका नाम है कलाचा बीच। तो कलाचा बीच में ये जो आप पहाड़ देख रहे हो बीच में, यहाँ पे आपको मोस्टली जो फॉरेनर्स हैं वो न्यूड मिल जाएंगे। और स्वीट वाटर लेक जाने से पहले हमें एक लोकल मिला, उन्होंने बताया कि जो पहाड़ के पीछे साइड है उसमें इंडियन और फॉरेनर्स दोनों न्यूड मिलते हैं, लेकिन अगर आप फ्रंट साइड में जाओगे तो आपको मोस्टली फॉरेनर मिलेंगे। तो अगर आपको देखना हो तो आप दोनों साइड जा सकते हो। हम सिर्फ फ्रंट साइड गए थे क्योंकि पीछे साइड जाना ज़्यादा सेफ़ नहीं था, हमें ऐसा लगा नहीं, तो हमने रिस्क लेना ज़रूरी नहीं समझा। और अगर आप ऑनलाइन सर्च करो कि न्यूड बीच गोवा में कहाँ है, तो आपको एक देखने को मिलता है आश्वेम बीच, जो कि मोरजिम को बोलते हैं, बट मोरजिम न्यूड बीच नहीं है, बट मैंड्रम हो सकता हो कि अगर आप मैंड्रम साइड जाओ जो कि आरंबोल के पहले पड़ता है, तो मैंड्रम में आपको मिल सकता है। लेकिन जो मैंने बताया कि आपको कलाचा बीच, मतलब आरंबोल बीच के जो पास में कलाचा बीच है, उसे आप बोल सकते हो कि वो एक न्यूड बीच है। तो मैं कुछ वीडियोज़ एंड क्लिप्स ऐड कर दूंगा स्क्रीन में, सो दैट आपको एक प्रूफ मिल जाए। वैसे ये इलीगल है, बट मैं किसी का फेस रिवील नहीं करूंगा, बट आपको एक आइडिया मिल जाएगा। और उसके बाद अपन जाएंगे स्वीट वाटर लेक, और मैं आपको वहाँ का व्यू दिखाऊंगा, और फिर अपन वीडियो को एंड करेंगे। यहाँ पे तो जा ही सकते हैं ना भाई, नो सेल्फी होना है, गलती से चले मत जाना। मतलब अपन वहाँ से घूम के आ ही गए ना, उधर से अंदर से घूम के आ जाओ इधर, सही है व्यू अच्छा है।
यहाँ पानी हो सकता हो कभी भी आ जाता हो, इसलिए डेंजर जोन है। तो यहाँ पे मतलब ना ही आना तो अच्छा है, मतलब जाना आना तो ठीक है एक बार देखने के लिए ठीक है, बट एक ताऊ जी वहाँ खड़े हैं। अच्छा लेक कहाँ है, दूर है क्या? और स्वीट वाटर लेक दूर है क्या? अभी स्वीट वाटर लेक आगे ये उधर साइड से तो नहीं भाई। What is going on, देख ले बेटा, आंटी लोग हमसे ज़्यादा अच्छी हिंदी बोल लेती हैं, यहाँ लोकल्स हैं तो हम लोग नहीं बोल पाते इतनी अच्छी हिंदी। कलेक्शन ना है भाई, क्या हुआ? हाँ तो उधर से अगर अपन आते हैं ना बीच में, तो ये अपन को एंट्री मिलती है इधर से, और फिर अपन आ जाते हैं स्वीट वाटर लेक, ये रहा। और बहुत अच्छी चीज़ है कि भीड़ नहीं है, अभी भीड़ बहुत कम है। और यहाँ पे बैठने वगैरह का ना चार्ज लगता है, बेड का चार्ज लगता है। अभी भाई ने बताया, एक हमारे ऐसे ही लोकल मिले, उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये जो बेड रखे ना यहाँ पे 300 वगैरह रुपए में, 300 रुपए में खाने पीने के लिए है। और ये है अपना स्वीट वाटर लेक, कुछ तो और कुछ बनाएगा, फोटो चेंज हो रहा है, होता ही जा रहा है। ऐसे यहाँ पे न्यूड लोग आके नहा रहे हैं। हाँ, इधर लगा हुआ ना भाई। अभी यहाँ कंस्ट्रक्शन कब हुआ था भैया? 1 साल पहले लगभग। अरे भाई, इधर चादर लगा, इतना प्लेस देखेगा यार, ऐसा जीनेगा इधर पे? अरे इधर ऐसा भी लेट सकता है यार, थोड़ा ज्यादा डाल के रात को जाकर तेरे को मैं चादर भी देगा, सब खाना भी देगा यार भाई। ये समझ में ये राहुल ऐसा है। आपका क्या नाम है? राहुल। राहुल तो राहुल भाई मिले हैं हमें, घुमा रहे हैं जो भगवान। तो ऐसा है आपका स्वीट वाटर लेक। तो अपन चलते हैं अंदर, क्योंकि ज़्यादा गहरा समझ में नहीं आ रहा है। ज़्यादा दूर तक नहीं जाएंगे अपन, पास तक रहेंगे, जहाँ तक वो बॉर्डर लगा है ना, शायद तक वो इसीलिए बना हुआ है, वो जो बना है कि उसके बाद हो सकता है गहरा हो या फिर वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया हो, इसलिए। और क्या कैसा मजा करते हैं अपन। अब अपन जाएंगे अभी अंदर इसमें, तो फिर तब मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद देन अपन ब्लॉग को करेंगे एंड। उसके बाद अपन अगर दूसरी जगह कहीं जाएंगे तो वो अपन पार्ट 2 में डाल देंगे, क्योंकि अभी जो अपना ब्लॉग है ना वो बहुत लंबा हो गया, तो और इसे लंबा नहीं करते, और इसके अपन अंदर जाने के बाद ब्लॉग को एंड कर देंगे। मैं आ गया पानी में, और अपना मतलब इसमें ब्लॉग भी एंड करेंगे। तो देखो खाली ही है पूरा, अगर आप देखोगे तो पूरा एरिया खाली है। जो उधर साइड है वहाँ पे छोटी छोटी मछलियाँ हैं, तो ये मेरे एक पैर में लगी तो मैं डर गया था, क्योंकि वैसे ही मुझे अच्छे से तैरते नहीं आता मतलब, और बहुत छोटा है मतलब, और आप देखो तो कमर तक आता है, कमर में नहीं, अगर कोई मतलब जैसे मेरी 6'3" है तो मेरे कमर तक आ रहा है लगभग 2 फुट, 2 या 2.5 फुट पानी होगा। तो अच्छा है, व्यू बहुत ही अच्छा है मतलब। और आप जाना चाहो तो उधर साइड से पहाड़ में भी जा सकते हो, तो बहुत अच्छा व्यू है। अगर आप आओ तो आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि शांति मिलेगी, और बीच में भी है तो बीच भी इधर साइड बहुत शांत है, तो अगर आप बीच में आना चाहो तो बीच में भी ऐसे ही कर सकते हो जैसे मैं यहाँ हूँ, आप चाहो तो बीच में भी आ सकते हो। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अपन यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। ये था हमारा वीडियो स्वीट वाटर लेक का। सो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा,
और अगर चैनल पे नए हो यार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसके बाद अपन जाएंगे मैंड्रम और मोरजिम बीच, तो उसका अपन पार्ट 2 में रख देंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज़।